मेजर रिटायर्ड सामल खान सोलंगी बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज सर्व पाकिस्तान आर्मी फॉर 28 ईयर्स देन 4 ईयर्स विद FWO एंड वॉज इन ऑल सर्व प्रोजेक्ट्स देर आर मेकिंग ऑफ मोटरवे स्टेट। इस वक्त हम आप ये जो पैनल ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी करा लेता हूँ, हम जो आज इधर इकट्ठे हुए हैं बुनियादी तौर पे जो सिंध की मौजूदा सूरत हाल है उसके मुतालिक एक डिस्कशन, उन प्रॉब्लम्स हैं क्या, उनका प्रॉब्लम्स बताने नहीं है हमने आपको, इस पैनल ने आज आपने उसका हल भी बताना है कि हल क्या है। प्रॉब्लम तो सभी को पता है, ये फलाना ढमकाना भाई आगे भी बोलो, चलो आगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे ये तीन चार पॉइंट्स आप डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, ये जो रेनफॉल फ्लड्स हैं, ड्रेनेजेस हैं, सेवरेज सिस्टम है फॉल्टी हमारा, इसके ऊपर हमारी डिस्कशंस होगी। और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स, छोटे छोटे डैम जो ये पानी हमें तबाह बर्बाद कर रहा है, इससे अपने आप को बचाना है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी, चौथी, ये तो हो रही तो टॉप पे चल पर हम फाइनल पे लिया है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। हमारे जो अफेक्टेड एरियाज में जिस तरह फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर हम रोशनी डालेंगे। हम में से मोस्टली अपने डिस्ट्रिक्ट मैं और हमारी हेड हैं हमीदा शाह साहब और ब्रिगेडियर मुख्तार साहब, जो सखर में इस वक्त दोनों एक्चुअली ऑन ग्राउंड उधर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश करते हैं अगर लिंक हो जाए, लेकिन ये वाईफाई का इशू है कोई। बहरहाल मेनली ये है कि आज हम बैठे हैं ये डिस्कस करने कि ये जो सिंध में फ्लड की सूरत है क्यों बनती है। पहली बात ये है कि ये नेचुरल है या मशन हुई है, एंड विल प्रूव इट कि ये कुदरती तौर पे हम डूब रहे हैं। इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये इसको एग्रीवेटेड करने के पीछे मकासद क्या है, मकसद क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है सिंध की, मैं 11 दिन उधर गया हूँ, 12वें दिन में खुद सी उदाह में एडमिट हो गया हूँ, 2 दिन CMH में एडमिट रहा हूँ। क्या सूरत हाल ये है, एक तो हमारे सेहतों को ऊपर से बारिश ने मारा, दूसरा आपके जो चैनल्स हैं वाटर कैनाल जितने भी इरीगेशन के कैनाल हैं जो बने हुए सदियों से, जिसमें सिंध का देहाती जानवर इंसान कट्ठे पानी पीता है सदियों से, उस पानी में अनबिलीवेबल टू लर्न इवन कि कोई इंसान सोच सकता है कि एक पीने के पानी में आपने उसमें आप गटर उसको विदाउट ट्रीटिंग विदाउट रिसाइकलिंग अच्छा। और इसके ऊपर जस्टिस मुस्लिम हानी साहब की रिपोर्ट है, मेरे पास साफ भी है हार्ड भी है, वो दूंगा बाद में करता हूँ मैं। क्लियरली लिखा है उसने, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द सिंध, प्लीज शैल बी स्टॉप इमीडिएटली। लेकिन हराम हो जो किसी के कान में जू, अब हुआ क्या है, इस वक्त क्या हुआ है, पूरा सिंध डूबा हुआ है। जो पानी 5 फुट बिलाल देखो जो मेरे गांव में पानी पाए, बच्चे देखें, 1 महीने के बाद ये तबाही मचाई ऊपर से बारिश ने, देखते जाएं ये बारिश ने ऊपर से तबाही मचाई, छतें सब डाउन, इधर से फ्लड, इधर से पानी आया फ्लड, ये रेनफॉल फ्लड्स है। कहाँ से आया इतना पानी, तो उसमें कैनल्स में था ही नहीं, ये पानी हुआ मल्टीप्लाइड बाय जो वहाँ के बासर लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, वो जो वहाँ के बासर लोग हैं वो अपनी ज़मीनों से ड्रेन करके डोंकी पम्प पीटरा पम्प जट्टा पता नहीं क्या क्या नाम दिए उन्होंने, वो चला चला के एक जट्टा दिखाओ भी सही बोला, ये जो एक मोटर जो है ना वो उधर से पंपिंग कर रहे हैं ना, एक चलाओ भी सही, ये चला के इस पानी को मल्टीप्लाइड में टैंक कर रहे हैं। और ये चलो ये तो पानी हुआ, खैर जब आपने उसमें यूरिन वाटर गटर का पानी शामिल कर दिया उसे क्या हुआ है, वो चलते फिरते हेपेटाइटिस सी, चलते फिरते वायरल डिजीज लोग लेके चल रहे हैं मेरे गांव में। ये बहुत देखो, मैं ये नहीं कि फौज का बंदा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आंखों से मैंने आर्मी को कहा नहीं, वो ट्रकों के ट्रक
कैंप मेडिकल कैंप लेके कहते तो लाओ सारी दुनिया को ले आओ, आ जाओ कितनी दवाई चाहिए कितनी दवाई चाहिए। लेकिन सर अर्ज ये है व्हाई दिस इज हैपनिंग, 70 साल हो गए, मर गए, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सिंध में पानी का पीने को तो छोड़े, गोली मारे हम पी ले गए, मट्टी हमें कुछ नहीं करती, बचपन से मट्टी वाला पानी हम पीते आ रहे हैं। लेकिन यार तुम यूरिन वाला पानी अगर हमें पिलाओ देहातू में, और खुदा के बंदे मरना नहीं, इट्स मैं हैरान हो रही है, 70-70 ईयर्स गॉन, मैं पता ही नहीं लग रहा कि यार ये आप लोग कर क्या रहे हो। आपका सिंध का थिंक टैंक है किधर? आई एम एड्रेसिंग टू ऑल, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटी। 70 ईयर्स गॉन, 70 साल के हुक्मरान इस तबाही बर्बादी के जिम्मेदार हैं। आज हमें वो जवाब दे, भाई ये मुझे बताओ, एक गंदे पानी को 1 करोड़ की मशीन भी नहीं होगी, 50 लाख की, करोड़ 2 करोड़ की होगी। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि वेस्टेड वाटर को रिसाइकलिंग करके आप ट्रीटेड प्लांट्स को देते हैं, आप उसको रिसाइकलिंग भी नहीं करके वो भी पानी पीने वाले पानी में शामिल नहीं कर सकते। ये पीने का पानी है सदियों से दिन का, उसमें शामिल नहीं। अब जितने लोग मरे हैं, जितने बीमार हुए हैं, जिनके ये हैं, अब हमने आखिर में मुतालबात की लिस्ट भी इसको पेश करेंगे। चीफ जस्टिस से मुसलसल नौशर फिरोज में ये मुतालबा करते आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जज की जुडिशरी कमेटी मुकर्रर करें, और जो इसके ज़िम्मेदार हैं, मैं ये नहीं करा कि सिर्फ को अलफ बहते थे, इसमें हम इस मुसीबत में हम सब जिम्मेदार हैं। वजह वहाँ भी डीसी साहब मुझे कहते हैं कि सर मैं किधर लेकर जाऊँ पानी। मैंने कहा सर मैंने तो उसको जो बोला वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बहरहाल वो जो सारे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा सर इसके पैरेलल के आप एक फिल्टर प्लांट लगा दें, वो से रिसाइकलिंग रिट्रेट कर दें, पैरेलल एक नाला निकाल दें, वो नाला जो है ना वो सारे हमारे देहातों के जो जितने भी फसल हैं उनको आबाद करें, आप उसको हमें पिला क्यों रहे हो। अब मुझे ये बताओ इतना मीडिया बैठा हुआ है 70 साल से, मैं तो पहले 3-4 साल से मेरी तो आंख खुली है, इधर हमने तो 40 साल इधर पंजाब में थे पोस्टेड इधर उधर, 70 साल से हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे थिंक टैंक, ये सारी सोसाइटी, ये 3 साल से मुसलमानी की रिपोर्ट पड़ी है कि इट इज अ क्रिमिनल, शल वी स्टॉप फोर्थ विथ, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। अब ये कौन करे वहाँ पे कोई आवाज़, मैंने नौशर फिरोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बायकॉट कर दी, दफ्तर छोड़ के भाग, सर मेरा भाई मर गया, मेरा ये है, मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चला। मैंने कहा तू ना चला, ये मटेरियल दे, मैंने जाकर 4 चैनलों ये फारूक को पता है, मैंने 3 फारूक साहब को, मेहमान साहब है वो, अपने जो मौराई साहब का चैनल था सिंध न्यूज़ था उस पर चला दिया, जलना जा मेरा पास था, किसी चैनल ने नहीं चलाया। यार इंसान ये मुझे बताइए, इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट आप लोग बैठे हो, इस पर क्यों नहीं प्रोग्राम आप लोग करते आ करके, यूरिन गटरों का पानी लोगों के मियाँ साहब किस तरह पिला रहे हो, है कोई इंसानियत। एक टॉपिक, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ जो अहम ये है कि इस पानी से बच कैसे सकते हैं, शॉर्ट में बोलूँगा, डिटेल में सर ये मास्टर्स बैठे हैं इस चीज़ के लिए पैनल, उसको खुद अपने आप कंडक्ट करा के बताएंगे। दूसरा है कि हमने स्टोरेज ऑफ वाटर्स करनी है कि पानी को बचाएं, डूबने से मरने से बचाएं, स्टोर करें, रीयूज करें। इस पर रोशनी हमारे एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर कुद्दूस साहब वो करेंगे अपने टॉपिक्स पे, मैं ज़्यादा सारा टाइम नहीं लेना चाहता।